अभी हम लोग पहुंचे हैं पिपरा में बूथ संख्या 348 पर। यहां से यही पैतृक गांव है जो झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं हाजी हुसैन अंसारी साहब, और इस बार झामुमो ने इन्हें प्रत्याशी के रूप में फिर से इन पर भरोसा जताया है और अपना वोट कास्ट करने ये अपने पैतृक गांव आए हैं। और यहां वोट कास्ट करने के बाद यहां मतदाताओं से मिले, फिर आगे क्षेत्र में जाएंगे, अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तुरंत तुरंत इन्होंने वोट कास्ट किया है। बात करेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? मुद्दा तो हमने विकास किया है, 5 साल चुनाव हारने पर भी जनता के बीच रहे, जनता के समस्या के बीच में रहे, आते जाते करते रहे। ये वजह है कि आज मतदाता का रुझान मेरे प्रति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति है, हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनाने के प्रति है, और मतदाता काफ़ी रुझान से वोट दे रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। और हम अपील भी किए मतदाताओं से, अब ज़्यादा से ज़्यादा से निकल करके अपना मतदान कर 100% पोल करें। चुनाव कमीशन में बेहतर व्यवस्था किया है, जो गड़बड़ी नहीं है, बेहतर पोल हो रहा है, और अभी काफ़ी परसेंट में जो यहाँ पर 30% से ज़्यादा पोल हो गया है। बात करेंगे सर, 5 साल क्या लगता है क्षेत्र में क्या काम नहीं रहा, विकास कितना पीछे छूट गया? 5 साल कुछ हुआ ही नहीं, विकास कुछ काम नहीं हुआ है। मुद्दा हम लोग पूरा उठाए, चर्चा किए हैं, वही वजह कि हम उसी से चलते मतदाता मेरे पक्ष में हम होते हैं। अगर इस बार आप जीतते हैं तो क्या लगता है? बस सारे विकास जो नहीं कर पाए हैं मतदान रहने पर, सारा काम विकास। क्या लगता है मधुपुर जिला बनेगा? मधुपुर जिला बनाएंगे, हर हाल में मधुपुर जिला बनेगा, और जगदीशपुर ब्लॉक बनेगा, हर हाल में कराएंगे। कुछ युवा वर्ग हैं साथ में यहाँ पर ग्रामीण, आइए आप लोग। आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कीजिएगा? 5 साल क्या लगता है, युवा वर्ग कितना संतुष्ट है सरकार से? इस सरकार से बहुत ये है कि इस सरकार ने अभी तक इधर गांव में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फोकसबाजी किया और कुछ भी नहीं। चलिए आप लोग बताइए वोट करेंगे, क्या आप लोग का मुद्दा होगा? मुद्दा है कि आपको यहाँ से बीजेपी को मतलब यहाँ से झारखंड से सफाया करना, इसके बाद क्योंकि वो कुछ भी विकास नहीं किया, सिर्फ मतलब यही झूलाबाजी उसका चलता रहा है और 5 साल चलाया है। बाकी जो करेगा जो विकास वो हमारे हेमंत जी करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही करेगा। बिल्कुल, किसान वाला जमीन वाला जो बोला, इधर आइए, कुछ बुजुर्ग तो मतदाता है, बताइए आप लोग। ये किसान वाला जो बोला कि जो हम इतना अकड़ पर देंगे, गांव पर 2-3 आदमी को दिया, उसके बाद बस ठप्पा लगा दिया, किसी को 1 पैसा नहीं मिला। चलिए बहुत नहीं मिला, आप बताइए कितना बोल दो। अच्छा यहाँ है, चलिए तो साफ तौर पर मैं जो है यहाँ पर मैं इस बूथ पर मैं लगभग अभी तक 30% वोटिंग हो चुका है, और पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 13.78% वोटिंग हुआ है। विकास को आधार मान करके इस बार अगर जीतते हैं तो मधुपुर को जिला बनाएंगे और जगदीशपुर को प्रखंड बनाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के और क्षेत्र में विकास की गाथा को बढ़ाएंगे आगे। सहयोगी आकाश के साथ रामचंद्र झा, अजय भारत, मधुपुर।